कोविड 19 महामारी से तमाम उद्योगों के साथ साथ जीवाश्म ईंधन उद्योग जगत भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। कच्चे तेलों के दाम जमीन छू रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट दिखाती है ऐसे माहौल में गैर परंपरागत या अक्षय ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा किफायती साबित हो रही है। इससे तमाम देशों में आर्थिक पुनर्बहाली के लिए बनाई जाने वाली राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों में स्वच्छ ऊर्जा को प्राथमिकता पर रखने का एक अवसर भी मिला है। इस प्रकार से दुनिया पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज्यादा नजदीक हो गई है। हाल के दशकों को देखा जाए तो अफ्रीका के कई देशों में तीव्र गति से प्रगति हो रही है। मसलन अफ्रीकी महाद्वीप के देश सेनेगल में 69% लोगों के पास अब बिजली की पहुंच है, जब 1993 में ये केवल 26% था। इस देश के अलावा भी अफ्रीकी महाद्वीप के कई अन्य देशों में भी ऐसी प्रगति देखने को मिली है, लेकिन अभी लड़ाई बहुत लंबी है, क्योंकि सब सहारा अफ्रीका में देखें तो वहां पर केवल 5 में से 1 व्यक्ति के पास बिजली की पहुंच है। विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल दक्षिण कोरिया अकेले उप सहारा अफ्रीका के बराबर बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। उप सहारा अफ्रीका में स्थापित पीढ़ी की क्षमता लैटिन अमेरिका के बमुश्किल 1/10 हिस्से की थी। रिपोर्ट में लैटिन अमेरिकी निजीकरणों का हवाला देते हुए आगे का रास्ता बताया गया है। आज भी अफ्रीका में लगभग 548 मिलियन लोग अभी भी बिना बिजली के रहते हैं। अफ्रीका की ऊर्जा क्षमता विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा बहुत बड़ी है, फिर भी उसका केवल एक भाग वर्तमान में कार्यरत है, जहां पर जल विद्युत वर्तमान में पूरी बिजली की क्षमता का लगभग 1/5 प्रदान करता है, लेकिन इसकी कुल क्षमता का 1/10 भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसी तरह सौर, बायोमास, पवन और भूतापीय ऊर्जा की तकनीकी क्षमता महत्वपूर्ण है। युवा उद्यमियों और स्टार्टअप के नए समाधानों के लिए सही माहौल बनाने से कोविड 19 से जो संकट आया है, अफ्रीकी देशों में रोजगार सृजन प्रोत्साहित करने का ये एक अच्छा मौका है। अफ्रीका और भारत इस बात को भी इंगित करता है कि 2030 में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% तक बढ़ सकती है, और 2030 के बाद लगभग सभी स्थापित ऊर्जा की क्षमता अक्षय ऊर्जा पर निर्भर होगी, और इसके साथ ही तत्काल ऊर्जा चुनौतियों को कम करने के साथ साथ रोजगार पैदा कर सकते हैं, उद्योग विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। ये अनुमान लगाया गया है कि अक्षय ऊर्जा की संभावना अफ्रीका में अतिरिक्त 2 मिलियन नौकरियां पैदा कर सकती है।